Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ISTSE ओलंपियाड एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं. इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें. साथ ही मैंने सेकेंड एंड थर्ड क्लास के प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं. इसके एग्जामिनेशन ये समर ओलंपियाड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस पेपर है जो कि अभी मई में एग्जाम होने वाले हैं. इस एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन और क्लास वाइज सिलेबस और सैम्पल पेपर हमने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य उसे चेक करें. इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 35 होते हैं और टोटल मार्क्स 100 होते हैं. इस एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन पेपर एग्जाम होता है जो कि 5 सेक्शन में बटा होता है. मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड स्कॉलरशिप से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं. नंबर वन, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन फिगर पैटर्न गिवन बिलो. ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 3 सीरीज अपना देखिए ये चल रहा है, ये 3 सीरीज ऐसे चल रहा है, ये 3 ग्रुप बना रहे हैं एंड नेक्स्ट फिर ये वापस रिपीट हो रहा है 1, 2 तो तीसरा क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर हो जाएगा. तो नेक्स्ट फिगर हमारा ये हो जाएगा. ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द इमेज. आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज किसका है, गार्डन, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस या एयरपोर्ट. ये देखिए यहाँ पे एनवेलप है, लेटर बॉक्स लगे हुए हैं. तो ये हमारा क्या होता है, ये चीज़ हमें कहाँ मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस में. तो ये जो है हमारा इमेज जो है पोस्ट ऑफिस का है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस. अब इसी प्रकार इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं किस प्रकार के आते हैं. जनरली इसमें जनरली इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और पैसेज रहते हैं, उसमें से क्वेश्चंस बच्चों को रीड करके करना पड़ता है. तो पहला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन लेना है, द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक. द कैट इज ऑन द बैक बॉक्स. तो कैट अंडर द बॉक्स, करेक्ट आंसर क्या हो गया, अंडर द बॉक्स. नेक्स्ट द वर्ड इज डैश द ट्री. द वर्ड इज ऑन द ट्री. नेक्स्ट हो गया द पेंसिल इज डैश द टेबल. द पेंसिल इज ऑन द टेबल. टेबल पर पेंसिल रखी हुई है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. द बॉल इज डैश द बास्केट. द बॉल इज इन द बास्केट. करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. एंड नेक्स्ट द कप इज डैश द सॉसर. क्या हो गया, ऑन द कप इज ऑन द सॉसर. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑन. नेक्स्ट अब इसी प्रकार मैथमेटिक्स से किस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए इसमें हम देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लीटर, मीटर या ग्राम. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ वेट. सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम या मिलीलीटर. करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल बट नॉट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. तो क्या हो गया यहाँ पर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. चलिए इसको फिगर के द्वारा अच्छे से हम समझ लेते हैं. ये हमारा स्क्वायर हो गया तो इसमें क्या हो रहे हैं, फोर साइड्स, 1, 2, 3, 4 साइड्स हो रहे हैं एंड फोर एंगल्स बन रहे हैं. फिर भी जो है क्या है, बट नॉट एंगल्स आर राइट एंगल. ये राइट एंगल्स नहीं है तो क्या हो गया, दिस इज रेक्टेंगल. ये सेफ बच्चों, रेक्टेंगल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ हैज नो कॉर्नर और एंगल्स. कौन ऐसा सेफ है जिसमें कॉर्नर और एंगल्स नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर्स इसके हो जाते हैं ऑप्शन ए, सर्कल. ये हमारा सर्कल इमेज बन गया. इसमें हम देख रहे हैं ना तो कोई कॉर्नर से ना ही कोई एंगल्स बन रहे हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, सर्कल. ये हमारा सर्कल सेप हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेप्स हैज फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड फोर राइट एंगल्स. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर में हम देखते हैं
चलिए ये देखते हैं, स्क्वायर इस प्रकार का शेप हो गया जिसमें फोर साइड्स इक्वल साइड्स होते हैं एंड इक्वल्स एंगल्स ये बन रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, करेक्ट आंसर इज हो गया ऑप्शन सी स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ शेप दैट लुक लाइक अ बॉक्स। तो कौन सा ऐसा शेप है, जैसे देखिए स्क्वायर है, ये क्या है, एक तरह से बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लुक लाइक अ बॉक्स। अब हम आ जाते हैं साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें से लिविंग थिंग्स कौन सा है, प्लास्टिक बॉटल, कैट या चेयर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी कैट। कैट जो है हमारा लिविंग थिंग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट हैव सेल्स। इनके पास सेल्स नहीं होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट इसमें से कौन सा पार्ट है जो प्लांट का है, यहाँ पे टेल, रूट्स, ईयर्स एंड विंग्स। करेक्ट आंसर क्या हो गया, रूट्स। रूट्स हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। फूड किस प्रकार वो बनाते हैं, ब्रीथिंग, फोटोसाइंथेसिस या डाइजेस्टिव या रेस्पिरेशन। कौन से ऑप्शन से इनकी प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स जो है फोटोसाइंथेसिस से फूड बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। व्हाट डू एनिमल नीड टू सर्वाइव। कौन सा एनिमल है जिसको सर्वाइव करने के लिए जरूरत होती है, वाटर एंड सनलाइट, फूड एंड वाटर, स्लीप एंड एक्सरसाइज या ऑक्सीजन एंड फूड। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड फूड। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और फूड की जरूरत होती है। Which of the following is an animal? इसमें से कौन एक एनिमल है, कैरोट, पोटैटो, जिराफ एंड ऑरेंज। तो जिराफ जो है ये एक एनिमल है, जबकि कैरोट, पोटैटो एंड ऑरेंज क्या है, वेजिटेबल्स है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है स्कॉलर सेक्शन। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से एक फिगर अलग है जिसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन क्यों, चलिए समझ लेते हैं। ए बी एंड सी में सेम फिगर जो है अंदर वापस रिपीट हो रहे हैं और उसमें कलर भरा हुआ है, जबकि डी में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग शेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यस्टरडे वाज मंडे तो टुमारो विल भी क्या होगा। अगर कल मंडे था तो आज क्या हो गया, ट्यूजडे। तो कल क्या हो जाएगा, कल मंडे, आज ट्यूसडे, और नेक्स्ट आने वाले कल में क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे। नेक्स्ट, देयर आर ग्रुप्स ऑफ बॉल। ये बॉल के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, थ्री बॉल्स है, उसके कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो वन टू थ्री बॉल्स हैं, तो इसके कितने ग्रुप बन रहे हैं, वन टू थ्री या फोर। ये सिर्फ क्या है, थ्री बॉल्स हैं, तो वन ग्रुप ही बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। इस तरह की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।